कभी ऐसा हुआ है कोई साइको सा बंदा तुम्हारे पीछे पड़ गया कि यू वर लाइक यू नो मैं नसे वसे काट ली ये कर दिया? नसे तो नहीं. रिसेंटली देयर वाज अ वेरी स्केरी स्टोरी एंड वो नसे तो नहीं था लेकिन एक बंदा आके मेरे घर के बाहर जाना रोज आके बैठ के मेरे नेबर्स को तंग करना मेरे फादर को तंग करना मेरी अम्मा को तंग करना और मुझे इसलिए डर लगना शुरू हो गया था क्योंकि वो कहीं जा नहीं रहा था. मैंने उसको थ्रेटन किया था कि मैं पुलिस को बुला दूँगी तो मैंने पुलिस को बुलाया पुलिस ने उसे उठाया उसको घर ले गए. एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा इंसान उसकी बहन ने मुझे फ़ोन किया थाने से कि उसे माफ़ कर दें उसको पता नहीं है उसको तो आई वॉज लाइक ठीक है. तो फिर मैंने उसको छुड़वा दिया या जाने दिया. फिर 4 महीने के बाद वो फिर मेरे घर आ गया इस दफ़ा फूल लेके और चॉकलेट लेके. मैं इस्लामाबाद में थी शूट कर रही थी मेरे घर में जो लड़का काम करता है उसने फ़ोन किया उसने कहा बाजी ये तो मुझे लड़का नहीं आता था रोज़ और बैठे रहता था घंटों घंटों वो फिर से आ गया. तो ऐसे कुछ चाह क्या रहा कहते इस दफ़ा उसने मुझे धक्का मारने की कोशिश की घर के आने की कोशिश की घर के अंदर आने की कोशिश की बोला तुम झूठ बोल रहे हो कि अनुषा बीबी आ नहीं है क्योंकि मैंने कुत्ते को देखा वो वॉक पर गया था मुझे पता है वो यहीं है और वो यहीं रहती है. वो मेरे घर के अंदर आ गया ज़बरदस्ती मैं घर में थी नहीं. और जब मेरे नेबर्स ने उसको निकालने की कोशिश की तो उन्होंने कहा तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा. तो उन्होंने कहा हम पुलिस को बुलाएंगे. तो उन्होंने कहा कि बुला लो पुलिस को क्या फ़र्क पड़ता है. और ये वो मैंने कुछ गलत नहीं किया है मैं सिर्फ मिलना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ. लेकिन मेरी हालत इससे ख़राब होगी क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि अगर किसी लड़की ने नो कर दिया है आपको कह दिया कि आप नहीं उनसे मिलना चाहते या बात करना चाहते तो यहाँ पर लोग पीछे पड़ जाते हैं उनकी ईगो भी हर्ट हो जाती है हद तक. और फिर वो there's so many acid attacks in this country there's so many terrible things that happen to women right so I didn't know what to do so I called up my father and this time I cut an FIR and he went to prison okay and he was there for a while but phir wahi tha ki court ke cases aur phir bhagna daudna aur you know he's out ab to kafi mahine ho gaye but I haven't heard from him ek saal ho gaya. I remember jab pehli dafa this is really weird but when someone hit me in a relationship so that person said do you think I like hitting you do you think I like doing this main apna bp badhata hu mujhe shock hai kya tum maarne ka tumse pyar karta hu and I actually fell for that I'm like why will he spoil his mood usko, and usko, why will he do this usko pyar ki zarurat nahi usko medication ki zarurat hai but yeah I'm trying to say that this is how people manipulate and you know wo ek cheez mein badal mein karte hain relationships aise hoti hai ki aap pehle gaali dein mare पीटें और फिर जाके अपोलोजाइज करें बोलेंगे मुझे बस गुस्सा आ गया था मैं इतना केयर करता हूँ या बस यू नो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ आजकल. वायलेंस के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता ना चाहे वो मर्द हो औरत हो. वायलेंस अगर आप करते हो या अगर आपके साथ बुरा हुआ है और आप किसी और के साथ बुरा कर रहे हो तो आपने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा तो नहीं है तो दैट डजंट जस्टिफाई योर बिहेवियर. एंड इट्स ऑल्सो एक ये भी चीज़ होती है ना लाइक कवल अफ्ताब वो एक टिकटॉक करे उन्होंने भी एक बंदी ने बोला था दैट माई हस्बैंड काम नहीं करता एंड बीट्स मी अप और उसका जवाब ये था सब्र करो और उसको सपोर्ट करो वो बदलेगा. सो प्लीज़ ऐसी दुआएं करो नहीं करें अल्लाह मियां से बोलो कि अल्लाह मियां मेरे हस्बैंड को सही कर दे यू नो मौजा हो जाए होता है ये वो. आई सेड नहीं अगर एक इंसान आपको किसी भी तरह का सुकून नहीं दे रहा देन इट्स नॉट वर्थ इट. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.